बहुत दिन इंतजार के बाद फाइनली नोकिया ने इंडिया पर लॉन्च कर दिया है उसका जी सीरीज का ब्रांड न्यू स्मार्टफोन नोकिया G20, जिसका प्राइस रखा है 12,990 रुपीज और उसी प्राइस में काफी घटिया स्पेसिफिकेशन ऑफर कर रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ नोकिया G20 को आपको परचेस करना चाहिए कि नहीं, क्या स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट होने वाला है कि नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखते रहिए। हेलो गाइस, मैं हूं संजय, आप देख रहे हैं मिस्टर संजय यूट्यूब चैनल। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करना, उसी के साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑल में क्लिक करना। आज का वीडियो का लाइक का जो टारगेट रखते हैं वो 200 लाइक, उम्मीद करते हैं आप लोग पूरे कर दोगे। पहला बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। इसका जो डिजाइन रखा है वो काफी अच्छा खासा है, क्योंकि गाइस जो स्मार्टफोन आता है पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ, स्मार्टफोन की पीछे की तरफ कुछ भी कलर ग्रेड वगैरह नहीं देखने को मिलेगा, प्लेन कलर के साथ स्मार्टफोन आने वाला है। पीछे की तरफ रहने वाला है क्वाड कैमरा सेटअप, एलईडी फ्लैश, साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर है और फ्रंट साइड की तरफ देखा जाए तो स्मार्टफोन आता है वही पुराना वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में। ये जो स्मार्टफोन आता है 6.52 इंच HD+ डिस्प्ले के साथ, उसी के साथ वाटर ड्रॉप नॉच है। इसका जो प्राइस है वो लगभग 13,000 रुपीज के आसपास, और 13,000 रुपीज के अंदर दोस्तों स्मार्टफोन आ रहा है HD+ डिस्प्ले के साथ, वो भी दोस्तों वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। कॉम्प्रोमाइज कर पाओगे? अगर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की प्रोसेसर के बारे में। ये जो स्मार्टफोन आने वाला है मीडियाटेक की तरफ से G35 चिपसेट के साथ, जो कि गोक्टाकोर चिपसेट है, 12 नैनोमीटर में बेस्ड है। G35 चिपसेट के साथ जो सारा स्मार्टफोन आता है, सभी स्मार्टफोन का जो प्राइस रहता है वो 7,000 रुपीज लेकर 9,000 रुपीज के अंदर, और दोस्तों नोकिया G20 ये जो स्मार्टफोन आ रहा है सिर्फ दोस्तों 13,000 रुपीज के अंदर। मीडियाटेक का जो G35 चिपसेट, ये जो चिपसेट है गाइस एक नॉर्मल यूजर के लिए काफी अच्छा खासा है। अगर आप फ्री फायर खेलते हो तो दोस्तों आपके लिए स्मार्टफोन काफी बढ़िया रहने वाला है। फ्री फायर गेम के लिए दोस्तों ये जो चिपसेट है काफी अच्छा खासा है, आप चाहो तो स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हो। ऐसे भी गाइस इसका जो प्राइस है 13,000 रुपीज, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की कैमरा के बारे में। ये जो स्मार्टफोन आता है पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप के साथ, प्राइमरी जो सेंसर है वो 48 मेगापिक्सल, उसी के साथ 5 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड लेंस के लिए, 2 मेगापिक्सल है डेप्थ सेंसर के लिए और 2 मेगापिक्सल है माइक्रो लेंस के लिए। दोस्तों स्मार्टफोन में पिक्चर क्वालिटी काफी बढ़िया आने वाला है। ऐसे भी गाइस नोकिया का कैमरा है मान के चल सकते हो, यहाँ पर जो 48 मेगापिक्सल का जो कमल मिलने वाला है वो काफी अच्छा खासा कलर वगैरह सही से आपको मिल जाएगा। बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की सेल्फी कैमरा के बारे में। ये जो स्मार्टफोन आता है 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा के साथ, दोस्तों 13,000 रुपीज के अंदर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी, आप मुझे बताओ क्या स्मार्टफोन इतना अच्छा खासा होने वाला है। बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में। ये जो स्मार्टफोन आने वाला है 5500 mAh बैटरी के साथ, उसी के साथ इनबॉक्स आता है 10 वाट का चार्जर के साथ। पहले तो आप दे रहे हो 5500 mAh के बैटरी, उसी के साथ फास्ट चार्जिंग भी नहीं है, क्योंकि 10 वाट का चार्जर के साथ स्मार्टफोन आने वाला है। अभी के टाइम में देखा जाए दोस्तों 13,000 रुपीज के अंदर जो सारा स्मार्टफोन है, क्योंकि गैस दो पॉपुलर स्मार्टफोन है 13,000 रुपीज के अंदर, एक गैस रेडमी नोट 10 और दूसरा जो स्मार्टफोन है रियलमी नार्जो 30, वो दोनों स्मार्टफोन आ रहा है काफी अच्छा खासा बैटरी के साथ, उसी के साथ दोस्तों इनबॉक्स आ रहा है फास्ट चार्जर के साथ। तो आप मान के चल सकते हैं दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है इस प्राइस में मार्केट नहीं करने वाला है। बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की स्टोरेज वेरिएंट के बारे में। ये जो स्मार्टफोन इंडिया पर आता है 2 वेरिएंट स्टोरेज के साथ, बेस वेरिएंट रहने वाला है 4GB 64GB वाला वेरिएंट, उसी के साथ 4GB 128GB वाला वेरिएंट है। ये जो स्मार्टफोन आता है इनबॉक्स एंड्रॉइड 11 के साथ, स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर डेडिकेटेड सिम स्लॉट और 3.5mm ऑडियो जैक देखने को मिल जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं कैसा होने वाला स्मार्टफोन, क्या स्मार्टफोन को परचेस करना चाहिए कि नहीं। गैस 13,000 रुपीज के अंदर मीडियाटेक का G35 चिपसेट, उसी के साथ 5500 mAh का बैटरी, और दोस्तों देखा जाए वाटर ड्रॉप नॉच वो भी दोस्तों HD+ डिस्प्ले के साथ आ रहा है, रिफ्रेश रेट तो नहीं है, मुझे लगता है स्मार्टफोन को आपको स्किप करना चाहिए। हाँ, अगर आप नोकिया का ब्रांडिंग के साथ जाना चाहते हो, अगर आप गेम वगैरह नहीं खेलना चाहते हो, नॉर्मल यूज के लिए स्मार्टफोन को यूज करना चाहते हो, अगर आप मम्मी पापा को गिफ्ट करना चाहते हो, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। नोकिया जो ब्रांडिंग है बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांडिंग है, लेकिन गैस एंड्रॉयड के लिए नहीं है, वो कीपैड वाला फोन के लिए है, क्योंकि दोस्तों 13,000 रुपीज के अंदर अभी के टाइम में मिल रहा है सुपर एमोलेड डिस्प्ले, और दोस्तों देखा जाए 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ स्मार्टफोन आ रहा है और गेमिंग वाला चिपसेट है जैसे मीडियाटेक का G95, तो उसी प्राइस में दोस्तों दे रहा है मीडियाटेक का G35 और दोस्तों HD+ डिस्प्ले, रिफ्रेश रेट का तो नाम और निशान नहीं है। लास्ट में मेरा यही कहना है, अगर आप नोकिया ब्रांडिंग के साथ जाना चाहते हो तो आपके लिए स्मार्टफोन काफी बढ़िया रहने वाला है,
लेकिन गैस अगर आप गेम खेलना चाहते हो, अगर आप हैवी यूज करना चाहते हो, इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज करना चाहते हो दोस्तों, स्मार्टफोन को स्किप करो। 13,000 रुपीज़ के अंदर बहुत सारा स्मार्टफोन है जो दोस्तों इससे बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहा है। तो आपका मर्जी है कि आप स्मार्टफोन के साथ जाना चाहते हो कि नहीं, आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हो, क्योंकि दोस्तों सबका राय तो अलग अलग होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूँ मैंने आपका सारा डाउट क्लियर करा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करना, उसी के साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑल में क्लिक करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स।